गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी पेपर थर्ड का हमारा टॉपिक है टीएच मार्गन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो टीएच मार्गन ने सन 1910 में टू डिफरेंट करेक्टर वाली, माना ये ड्रोसोफिला है, चलो ये ड्रोसोफिला है और ये एक ड्रोसोफिला है, तो टू डिफरेंट कैरेक्टर वाले, ये क्या है, टू डिफरेंट कैरेक्टर वाली क्या है, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया, क्या कराया, क्रॉस कराया। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रे बॉडी ड्रोसोफिला के अंदर जो ग्रे बॉडी ड्रोसोफिला है, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी पर, ब्लैक बॉडी वाली ड्रोसोफिला पर डोमिनेंट है, यानी कि ग्रे बॉडी कलर जो है ब्लैक बॉडी पर डोमिनेंट है। इसी तरीके से लॉन्ग विंग, लॉन्ग विंग्स वेस्टिजियल विंग पर, वेस्टिजियल विंग्स पर डोमिनेट होता है। ठीक है, तो ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग वाली ड्रोसोफिला से जब कराते हैं तो F1 जनरेशन में, तो क्या होगा, F1 जनरेशन में सारी की सारी ड्रोसोफिला ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग वाली प्राप्त होती है। तो क्या हुआ, टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में क्या है कि 1910 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट द्वारा क्या करा, उन्होंने टू डिफरेंट कैरेक्टर वाली ड्रोसोफिला के बीच क्रॉस कराया और बताया कि जो ग्रे बॉडी है वो ब्लैक बॉडी पर डोमिनेंट है और लॉन्ग विंग वेस्टिजियल विंग पर डोमिनेंट है, यानी कि एक ऐसी ड्रोसोफिला ली जिसकी बॉडी ग्रे है और विंग्स लॉन्ग है, और दूसरी ड्रोसोफिला ऐसी ली जिसकी बॉडी ब्लैक है और विंग्स वेस्टिजियल है। इनके बीच जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारी की सारी ड्रोसोफिला ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग वाली प्राप्त होती है या हुई। ठीक है, तो यानी ग्रे बॉडी कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल एल, कैपिटल एल, स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल एल, स्मॉल एल, तो ये हो गया कैपिटल जी, कैपिटल एल, स्मॉल जी, स्मॉल एल, आपस में इनका क्रॉस कराया तो हुआ कैपिटल जी, कैपिटल एल, स्मॉल जी, स्मॉल एल। ठीक है, ऐसे मिलने लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जी जी पास में लिख रहे हैं, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी F1 जनरेशन, क्या हो गई F1। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस F1 जनरेशन का जब टेस्ट क्रॉस कराते हैं, क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। जैसा कि हमको मालूम है टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो कैसे कराएंगे, पहले इसका हम निकाल लें कैपिटल जी स्मॉल जी एल स्मॉल एल, तो कैपिटल जी को कैपिटल एल के साथ जोड़ा, कैपिटल एल कैपिटल जी कैपिटल एल, कैपिटल जी को स्मॉल एल के साथ जोड़ा, कैपिटल जी स्मॉल एल, स्मॉल जी कैपिटल एल और स्मॉल जी स्मॉल एल, तो हमारे पास आया कैपिटल जी कैपिटल एल, कैपिटल जी स्मॉल एल, स्मॉल जी कैपिटल एल और स्मॉल जी स्मॉल एल। तो इसका क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है इससे क्रॉस करें, यानी कि स्मॉल जी स्मॉल एल। ठीक है, तो कैपिटल जी का इससे करा दिया, क्या बना, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल एल स्मॉल एल, अब इसका कराया इसी से तो बना कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल एल स्मॉल एल, अब इसका इससे कराया स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल एल स्मॉल एल, और इसका इससे कराया स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो है, जो रेशियो है वो रेशियो आता है 83/70। ठीक है, तो क्या हुआ कि क्या लिखा, टीएच मॉर्गन ने 1910 में टू डिफरेंट टाइप करेक्टर वाली ड्रोसोफिला के बीच क्रॉस कराया और उन्होंने बताया पहले कि ग्रे बॉडी ब्लैक बॉडी पर डोमिनेंट होती है, लॉन्ग विंग्स वेस्टिजियल विंग पर डोमिनेंट होते हैं, यानी कि ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग वाली जब ड्रोसोफिला से कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारी की सारी ड्रोसोफिला ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग वाली प्राप्त होती है।
अगर इस F1 जनरेशन में प्राप्त जो ड्रोसोफिला हैं उनका क्रास कौन सा टैश क्रास कराते हैं तो F2 जनरेशन में इनका रेशो जो है 83:17 आता है, 83:17 आता है। अब बात करते हैं, तब इन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन, दो या दो से अधिक ये क्या है, टू आर मोर क्या चीज, करैक्टर को क्या चीज कंट्रोल करने वाले जीन किस पे, वन पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और ये जीन एक साथ, ठीक है, यानी कि कंबाइंड इनहेरिट होते हैं, ठीक है। इन जीन को क्या कहते हैं, लिंकेज जीन कहते हैं और इनके इनहेरिट होने को, इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। यानी कि इन्होंने बताया, किसने, मॉर्गन ने, कि दो या दो से अधिक जीन करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन वन पेयर होमो, एक जोड़ी है होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जोड़ी होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और ये जो जीन है एक साथ में इनहेरिट होते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। इन जीन को तो लिंकेज जीन और इनहेरिट के होने, इनके इनहेरिट होने को, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जाने को लिंकेज कहते हैं और अंत में इससे क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन बन जाता है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।